कोरोना बीमारी कोरोना वायरस के चलते जब से देश भर में हुआ है लॉकडाउन, तब से लगातार लोग अपने घरों में कैद हैं। जो जहां पर है वो वहीं पर कैद होकर रह गया है। तब से सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस समय अपने परिवार के साथ समय भी बिता रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए टीवी इंडस्ट्री के बारे में, तो टीवी के गलियारों में देखा जाए तो ऐसी कई खबरें सामने आ रही हैं जिसे जानने के बाद आप सभी हैरान रह जाएंगे। बता दें आपको, कोरोना वायरस के चलते बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री के सितारे भी काफ़ी परेशानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि टीवी इंडस्ट्री की तीन खूबसूरत अदाकाराएं लॉकडाउन के चलते फंस गई हैं गोवा में। जी हाँ, ये तीन अदाकाराएं कोई और नहीं बल्कि हैं बेहद ही खूबसूरत और पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस आशिका गोराडिया, श्रीजिता डे और टीना दत्ता। जी हाँ, आशिका अपने पति ब्रांड गोविल के साथ गोवा गई थी, तो वहीं टीना दत्ता अकेले ही यहाँ पर वैकेशन एंजॉय करने पहुंची थी। इसी बीच अगर यहाँ पर बात की जाए श्रीजिता डे के बारे में, तो काफी लंबे समय बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा घूमने का उन्होंने प्लान बनाया था। और इस बीच जब ये तीनों ही यहाँ पर पहुंची तो इन तीनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई। बता दें आप सभी को, श्रीजिता डे के बारे में, तो पिछले ही महीने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा घूमने पहुंची थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। श्रीजिता डे ने गोवा में फंसकर परेशानियों का सामना नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में, यहाँ पर आकर बेहद ही खूबसूरत पलों को वो इंजॉय कर रही हैं। वहीं उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं गोवा में बने योगा आश्रम में आई थी। यहाँ पर हमें 23 मार्च को लौटना था, खैर फ्लाइट्स तो रद्द हो गई और अचानक से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई। हालांकि हमें कोई पछतावा नहीं है क्योंकि ये जगह बेहद ही खूबसूरत और शांत है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि मैं मुंबई में होती तो चार दीवारी के बीच कैद होकर जरूर पागल हो जाती। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरे माता पिता को सारी चीजें अकेली ही संभालनी पड़ रही है। वहीं साथ ही साथ श्रीजिता डे गोवा में वैकेशन काफी एंजॉय कर रही हैं और लॉकडाउन के चलते वो यहां पर मुसीबत में फंसती हुई तो नजर आ रही हैं, लेकिन इस समय को बहुत ही अच्छे से बिता रही हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास लिमिटेड कपड़े हैं और उसे ही धो धो कर पहन रहे हैं। हम आश्रम में हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ शाकाहारी खाना ही मिल पा रहा है। एक बंगाली होने के नाते मुझे फिश की बहुत जरूरत है। खैर, मैं मुंबई में भी नॉनवेज नहीं खा पाती थी। और इसके साथ ही ये तीनों ही एक्ट्रेस यहाँ पर गोवा बीच पर काफ़ी इंजॉय भी कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के चलते गोवा में फंसी हुई हैं, लेकिन यहाँ के माहौल को देखकर ये सभी बेहद इंजॉय भी कर रही हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।